यहाँ पे सनसेट होता है, हम यहाँ है और यहाँ पे ठंडी हवा खाई जा रही है। मैगी पार्टी, केचप ला दियो। केचप के बिना मैगी नहीं खाई जानी। टाइगर फॉल एंजॉय किया, मैगी खा ली, सीख लिए और अब पैदल पैदल ऊपर चढ़ाई पे चढ़ने की बारी। और हमारे साथ वाले वो पीछे पीछे आ रहे हैं, एक एक दो दो दिखाई देगा। अभी कुछ ने चाय भी पी, मेरा चाय का कोई मन नहीं था। तो टॉयलेट किसी को जाना हो तो अभी चले जाओ। जाए, थोड़ा ग्रुप डिवाइड हो गया है, ये 3 जाने वाले हैं गाड़ी से और बाकी हम सारे पैदल चढ़ाई करेंगे। और हम सब चलने वाले हैं ऐसे स्टेयर्स पे ऊपर चढ़ाई पे, जहाँ से स्टार्टिंग की थी वहीं जाके अब रुकना है। और गाड़ी की पार्किंग उधर है और वहाँ से जाना है। हम पैदल आ रहे थे, बच्चे गाड़ी से, ये गाड़ी यहाँ पे फंस गई लग रहा है। अब देख रहे हो ना इस तरफ वाइट, यहाँ पर ये गाड़ी पीछे जा रही है, वो चढ़ ही नहीं पा रही। वो एक बंदा धक्का दे रहा है उनको। हाँ, पूजा तो मेरे बच्चों के साथ चली चली चली, चली तो चढ़ गई। देख वो पीछे से चढ़ी, पीछे से वो उधर वहाँ जहाँ पहले थी वहाँ। हाँ, वो चढ़ गई, निकल गई गाड़ी, वो चढ़ी भाई। लेकिन रास्ता कैसा होगा, विनीत गाड़ी नहीं चढ़ा पाया। चलो बालको, चलो सोनी कहाँ को चली? होगा पक्का होगा, देख भी लगे रास्ता है भी नहीं। समझो ऊपर टॉप पे पहुंच ही गए, मैं तो बैठ गई हूँ, सांस फूल गए, बिल्कुल तली से ऊपर आ गए। चलो चलते हैं। और जहाँ एक्साइटमेंट में आते ही हमने थोड़ी फोटोज खिंचवाई थी, ये यहाँ पे खेत हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में फ़ोटो खिंचवाए थे, वो जगह आ गई। अब यहाँ से तो रास्ता बिल्कुल सीधा ही है, कोई जोर नहीं पड़ेगा। और सबसे पहले तो जैसे आपको पता ही चल रहा, बोलने में इतनी सांस फूल रही है, अब तो थोड़ी रिलैक्स हो गई बैठ के। सबकी सांस बढ़ गई, सबकी सांस फूल रही है, थके आ रहे इंसान आ रहे सब। वो रहा पार्किंग, वहाँ जाना है अभी। ठंड अंदर घुसने से क्या हो, दिक्कत हो बताओ? निमोनिया? ठीक है, वो नहीं करना मुझे। ये आ गया टाइगर फॉल लिखा हुआ अभी, जहाँ हमने एंट्री में वीडियो बनाई थी। क्या हो गया था गाड़ी में? डर कैसा? हाँ, पूजा को तो आगे बैठना चाहिए था क्योंकि बैगों का भी तो वेट था। पहुंच गए, बहुत अच्छा हो रहा, हम तो पसीनों में हो गए ना। वेदर अब ये हो चुका है, इधर बादल गिर के आ रहे हैं, घटा भयंकर। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे क्लीन है, माइनस में टेम्परेचर है यहाँ का। माइनस में कितना? -2, -3, -4। बस अब तो यहाँ से निकलने का फायदा। ये जो भयंकर, ये जो धुआं से दिखाई दे रहा है, ये धुआं नहीं है एक्चुअली, बादल हो गए हैं इतने भयंकर वाले। और हम नीचे से ऊपर आ चुके हैं और टाइम हो गया है अभी 3:15
और ये भयंकर वेदर, अब यहाँ पे बारिश बताई हुई, तो बारिश में फंसने से पहले हमें निकल जाना ज़्यादा सही है। अपना टाइम से अपने होटल पहुँचते हैं चक्राता ऊपर, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। बस अभी हमारा टारगेट है यहाँ से निकलना, रास्ते में फंसना नहीं चाहते, है ना। निकल ले जल्दी जल्दी। सोनू यही रुकना है क्या कहीं? कहाँ? यही नीचे पहाड़ों पे ही कहीं? पहाड़ों पे नहीं, बारिश का मौसम हो रहा है वो। अच्छा हम तो होटल। हाँ ठीक है। और ये बोर्ड भी आ गया है। साइड आ रहा है हमारे, साइड साइड चल रहा है ग्रुप मेंबर। ये भी हॉलीडे पैकेज लेके आ रहे दोनों। नीचे टाइगर फॉल में हमने खूब सारा एंजॉय किया, खूब मस्ती की, और हम काफ़ी सारे भीग भी गए वहाँ पर। ऊपर से पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि फुहार इतने ऊपर तक उठ रही थी कि हम उस एरिया में कहीं तक भी खड़े हो रहे थे तो सारे छींटे ऊपर ही आ रहे थे। अभी आप भी मेरे साथ इन पहाड़ों के नज़ारे देख सकते हैं। और अभी मुझे याद आया है कि हमारे होटल वाले ने जहाँ हम रुके हुए थे उसने बोला था कि यहाँ पर सनसेट पॉइंट है, वहाँ आप ज़रूर देख कर आना। तो मैंने तो प्लान बना लिया है और इस प्लान को सभी को फॉलो करना पड़ेगा, मेरे साथ वालों को, क्यों, है ना। बिल्कुल बिल्कुल करना ही है भाई। और हम यहाँ से ऊपर चक्राता हिल पहुँचने के बाद फिर हम जाएंगे सनसेट पॉइंट, जहाँ आपको आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बस हो सकता है एक आपको जो नहीं देखने को मिलेगा वो नहीं मिलेगा सनसेट होते हुए, क्योंकि आज का वेदर काफ़ी ख़राब हो रहा है। इस वाले रोड से हम अभी यहाँ आकर पहुँचे हैं सनसेट पॉइंट, ये जो कि आज सनी नहीं है तो सेट कहाँ से होगा। मौसम तो आज भयंकर ही भयंकर। लोकेशन एक अच्छी है, तुझे दिखाता हूं। अच्छी है, आई मैं यहां से, मैं भी आती हूँ। ये पूरा ऐसा दिखाओ, बहुत एक्सीलेंट। क्या बात है, और ठंडी हवा है नहीं, सही जगह बहुत सही है और हवा इतनी तेज है। हवा बहुत तेज है यहाँ सनसेट पॉइंट पे, ठंडी चिल मार। लेकिन जगह अच्छी है, गाड़ी वाड़ी खड़ी करने की भी पूरी जगह दी हुई है यहाँ पे। मैं हो गई पैक बिल्कुल। और यहाँ भी आपकी कैप लेकर आती हूँ मैं, जरा इसे सिर पे ना भरो। क्या हुआ? लो। जाओ लो। रुक जा, लोकेशन वाकई अच्छी है भाई, यहाँ से भी सारा देखना कहाँ कहाँ तक की गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। ओ हीरो, बहुत हो हीरो, धर सिर पे टोप। कैफ 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 वाला कैफ गर्मा गर्म, कैफ वाला कैफ वाला गर्मा गर्म, कैफ वाला। ले यहाँ आगे क्या है? आगे रोड पे कुछ भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा ज्यादा गर्मी से जब आई थी, जब नीचे पहाड़ पे से ऊपर चढ़ के आए वहाँ। आओ इधर टाइगर फॉल पे से फिर चलेंगे कहीं नीचे को, फिर चढ़ना पसंद ना। हरे राम, हरे राम, हरे राम जी। मौसम सही है वैसे, बढ़िया फर्स्ट क्लास, जगह भी ठीक है। तू तो पहली बार आया ना, हैं सुनो। हम भी पहली बार आए। मैं तो पहली बार आया हूँ सनसेट पॉइंट पे। ये वाली जो है
पूरी पहाड़ी सी लग रही वो। हाईवे रोड। अभी मैं पैक हो रही हूँ भयंकर तरह से, बाल बांध लिए ऊपर और अब बटन बिल्कुल बंद। सर्दी का इंतजाम सबसे पहले, घर भी जाना बच्चों के पास और हाथ पॉकेट में। ये सनसेट पॉइंट नहीं है, ये एसी का शीतलहर का पॉइंट है। सनसेट पॉइंट कहाँ हो रहा है? यहाँ इधर से, हाँ इधर ही तो हो रहा हूँ। इधर सनसेट होता होगा और यहाँ से देखते होंगे, फोटो खिंचवाते होंगे सन। आज हम बिना सन के ही ऐसे वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे सनसेट होता होगा और हम यहाँ आए, यहाँ पे सनसेट होता है हम यहाँ आए और यहाँ पे ठंडी हवा खाई जा रही है। और यहाँ पे हमने कम से कम एक घंटा वेट करने के बाद अब हमें हल्का सा यहाँ पे सूरज जो है छिपता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि सेट हो रहा है, और हमने सनसेट का पूरा जो पैसा वसूल कर लिया। और बस हमने अपना काम कर लिया, सनसेट देख लिया और अब फटाफट गाड़ी में बैठ के निकल लेंगे क्योंकि हम काफ़ी ठंड में ठिठ उठ चुके हैं, काफ़ी ठंडी हवा है। और सोनू यहाँ झुक कर पता नहीं क्या देख रहा था। सनसेट पॉइंट के बारे में बताऊं तो क्या बताऊं, क्योंकि हमें वहाँ सनसेट ना के बराबर ही दिखाई दिया, हल्की फुल्की सी झलक सेट होने की हमें दिखाई दी है। जो भी हुई वही हमने कैप्चर कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए सभी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी से लेकर आती हूँ, इसी का ही नेक्स्ट पार्ट। यहाँ तो गर्मियों में भी बहुत कम रहता होगा। आज हमारा रूम चेंज हो गया है, आज हम डबल डबल बेड, दो डबल बेड हैं इसमें शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि हमारी फैमिली मेंबर भी बढ़ गए हैं। क्या कह रहा है ये? हेलो कर दे। अच्छा आजा आयांश, इधर आजा मेरे साथ बातें कर ले। आपको सुबह से बर्गर पिज्जा कुछ मिला क्या? नहीं। किसने नहीं दिलाया, पापा ने या मम्मी ने? ये दिया के बनाना। बनाना ये दिलाएंगे, बनाना ये दिलाएंगे। मामू मामा को दिलाना है। अच्छा। और यहाँ लगता है आज स्नो स्टार्ट हो गई है। ये आपको हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा होगा कि ये जो हल्की सी लाइट के पास जो हल्का हल्का सा नीचे डाउन डाउन सा दिखाई दे रहा है, ये शायद आज रात से स्नो स्टार्ट हो गई है। क्योंकि अगर रेन होती तो यहाँ पे गीला हो चुका होता। ये 100% स्नो है जो कि गिरने लगी है। मज़ेदार।